कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक जारी, ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन पर चर्चा। दिल्ली में कल से होने वाले वैक्सीनेशन पर संशय, सीएम केजरीवाल बोले अभी हमारे पास नहीं पहुंची वैक्सीन, कल या परसों तक वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद। वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी, अगले 3 महीने में दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। दिल्ली वालों के लिए वैक्सीन के 67 लाख डोज का ऑर्डर, सीएम केजरीवाल ने लोगों से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से जल्दबाजी न करने की अपील की, कहा जल्दबाजी न करें, सबको वैक्सीन लगवाएं। देश में कोरोना बरपा रहा है कहर, बीते 24 घंटे में सामने आए 3,86,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,498 लोगों की मौत हुई, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 31 लाख के पार पहुंचा। दिल्ली की बदहाली पर केजरीवाल के विधायक नाराज, शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार की। शोएब इकबाल ने कहा अस्पतालों में न ऑक्सीजन है न ही दवाइयां, विधायक होते हुए भी मेरी कोई नहीं सुन रहा है। दिल्ली में अंबेडकर अस्पताल प्रशासन की गुंडागर्दी, कवरेज के दौरान जी मीडिया संवाददाता के साथ की मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान से बोले रोहिणी के डीसीपी, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल की बदहाली का सच दिखाने पर भड़का अस्पताल प्रशासन, जी मीडिया को कवरेज से रोका गया। अस्पताल की बदहाली का सच दिखाने पर गुंडागर्दी, जी मीडिया संवाददाता के साथ मारपीट की। आईटीबीपी के अधिकारियों ने दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर का किया दौरा, कोविड मरीजों को मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में फिर रिकॉर्ड, 395 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम, एक दिन में 24,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। महाराष्ट्र में भी बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 985 लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन संकट के बीच आईआईटी मुंबई की बड़ी पहल, नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदला। भारत बायोटेक ने भी घटाए कोवैक्सीन के दाम, राज्यों को अब 400 रुपए में मिलेगी वैक्सीन, पहले 600 रुपए थी कीमत। कानपुर के पनकी ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट, सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के दौरान हादसा, एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का खुलासा, कोटद्वार में दिल्ली पुलिस का छापा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, 25,000 में बेचा जा रहा था नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 35,000 से 50,000 में बेचते थे रेमडेसिविर इंजेक्शन। महाराष्ट्र के बीड में नकली रेमडेसिविर बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार, रेमडेसिविर में पानी भरकर बेचा जा रहा था। कोरोना संक्रमण को लेकर जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन, श्रीनगर में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। कोरोना से ठीक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। मध्य प्रदेश के विदिशा में कोरोना विस्फोट, कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 कोरोना संक्रमित। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑटो को बनाया एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा मौजूद। अहमदाबाद में कोविड अस्पताल का सेना की मेडिकल टीम ने संभाला मोर्चा, नेवी की टीम 2 महीने तक देंगी अपनी सेवाएं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में हंगामा देखने को मिला, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट हुई। दबंगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर और लैब कर्मचारी गिरफ्तार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कोरोना संकट के बीच भारत पहुंचा अमेरिका की मदद, जरूरी मेडिकल उपकरणों से भरा विमान दिल्ली एयरपोर्ट उतरा। अमेरिका ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के अलावा ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें भी भेजी है, राहत सामग्री के ऊपर लिखा है जय हिंद। कोरोना संकट के बीच आयरलैंड ने भी बढ़ाया मदद का हाथ, आयरलैंड भेज रहा है 700 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और 365 वेंटिलेटर। हांगकांग से दिल्ली पहुंचे मेडिकल उपकरण, हांगकांग से 300 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिल्ली पहुंचे। कोरोना के खिलाफ जंग में दुबई से दिल्ली पहुंची मदद, 157 वेंटिलेटर समेत कई दूसरे उपकरणों के साथ दिल्ली पहुंचा विशेष कार्गो विमान। देर रात मुंबई पहुंचा कोविशील्ड कन्हैया चौक, वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की लंबी कतार। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मई तक बढ़ाई गई, वैक्सीनेशन डोज की कमी की वजह से फैसला लिया गया। गोवा में 3 मई तक 4 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं के लिए रहेगी छूट, बेवजह घूमने पर भारी जुर्माना लगेगा। गुजरात में भी नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,327 नए मामले, 180 लोगों की मौत। गुजरात को मिली 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज, सीएम रूपाणी ने 1 मई से सभी को वैक्सीनेशन की अपील की। उत्तर प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 35,156 नए मामले सामने आए, 258 लोगों की मौत। प्रयागराज में कोरोना के 1,267 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में 11 मरीजों की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों का आरोप ऑक्सीजन की कमी से गई जान, नाराज परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा। कोरोना से जंग में सीएम योगी का ऐलान, विधायक निधि से कोविड केयर फंड में दिए 1 करोड़ रुपए, दवा और ऑक्सीजन सप्लाई पर होंगे खर्च।
उत्तर प्रदेश में कोरोना पर कंट्रोल पाने की तैयारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की टीम 11 के साथ बैठक। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक्शन में योगी सरकार। प्रदेश में 33,000 बेड बढ़ाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड बढ़ाए जाएंगे, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग 18,000 बेड बढ़ाएगा। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के लिए कांग्रेस की सियासत हुई तेज। राहुल गांधी ने कहा, उम्मीद है सिस्टम इस बार समझ जाएगा। बीजेपी ने किया पलटवार।